तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खेडूतों ने गैरमार्गे दौड़नाराओ पर निशान साध्यु और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशवासियों ने संबोधन कर नवा कृषि कायदा थी खेडूतों ने आजादी मिली। प्रधानमंत्री आ संबोधन वाराणसी खाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और त्या लोकार्पण कर विकास कार्यो की भेट वाराणसी वासियों ने आपी। सिक्स लेन हाईवे काम के जे पूर्ण थयु लोकार्पण कर साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। किसानों को प्रकल्प के साथ ही नए विकल्प देने से ही हमारे कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। सिर्फ दाल की ही बात करें, पल्सीज की बात करें, 2014 से पहले के 5 सालों में, हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। कितनी? 650 करोड़। कितना भैया जरा बताइए, पूरे देश में कितना? 650 करोड़। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया आकर के? हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़, 49,000 करोड़, यानी करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है। यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। कहां 650 करोड़ और कहां करीब करीब 50,000 करोड़। भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, यही लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर ये लोग हर गली मोहल्ले में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्विटर में सवाल उठाते थे, ये लोग अफवाह फैलाते थे ये मोदी है, ये चुनाव है ना, इसलिए ये किसान सम्मान निधि लेके आया है, ये 2,000 रुपया एक बार दे देगा, दोबारा कभी नहीं देगा। दूसरा झूठ चलाया कि ये 2,000 अभी दे रहा है, लेकिन चुनाव पूरा हो गया या तब ब्याज समेत वापस ले लेगा।